जीवन परिचय शास्त्रीय सरोद वादक वजीर खां। उस्ताद वजीर खां संगीत जगत में रामपुर के वजीर खां का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। वे अपने समय के बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। संगीत के प्रकांड विद्वानों ने आपसे संगीत ज्ञान अर्जित किया। रामपुर के तत्कालीन नवाब हामिद अली खां के आप संगीत गुरु भी थे। आप अपने समय के वीणा, रबाब और ध्रुपद के माने हुए कलाकार थे, जिन्हें प्रत्येक संगीत प्रेमी और संगीत साधक आदर की दृष्टि से देखता था। वजीर खां का जन्म सन 1860 में हुआ। उनके पिता का नाम अमीर खां था, जो अपने समय के प्रसिद्ध बीनकार थे। अमीर खां रामपुर के नवाब कलिए अली खां के दरबार में नियुक्त थे और उन्हें हजारों ध्रुपद कंठस्थ थे। वजीर खां ने अपने पिता से अनेक ध्रुपद और वीणा वादन सीखा। उसके बाद उन्होंने रामपुर के हैदर अली से कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त की। विवाहोपरांत आप भ्रमण के लिए निकले, काशी में निसार अली के शिष्य हो गए और उनके शिष्यत्व में काफी उन्नति की। उनकी मृत्यु के बाद वे काशी छोड़कर कोलकाता चले गए। वहां 7-8 वर्षों तक रहे। उसके बाद रामपुर दरबार में नियुक्त हो गए। नवाब साहब ने बड़े आदर के साथ उन्हें अपने दरबार में रखा और पर्याप्त धन प्रतिष्ठा और जमींदारी दी। वजीर खां के तीन पुत्रों में प्यारे खां एक अच्छे संगीतज्ञ हुए। उनकी वृद्धावस्था की लकड़ी प्यारे खां ही थे। प्यारे खां एकाएक देहावसान होने से वजीर खां को बड़ा आघात पहुंचा। तब से वे बड़े दुखी रहने लगे। शेष जीवन उनको भार मालूम पड़ने लगा। इस दुर्घटना के 2-3 वर्ष बाद ही वजीर खां की मृत्यु सन 1927 में हो गई।